बंद करो, बंद करो, ओशन मॉल बंद करो, 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 साफ करो, साफ करो, मार करो, साफ करो, साफ करो, साफ करो, मार करो, साफ करो, देना पड़ेगा इंसाफ, तुम्हें देना पड़ेगा इंसाफ, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी होगा, मैं किसी भी हद तक होगा मैं जाऊंगा, चाहे मुझे अपना पैर काट के क्यों नहीं लगाना पड़े, मैं अपने बच्चे को लगा कर दूंगा। ओशन मॉल हमें जितना तंग करना चाहे करे, पर ये जो वक्त जाया कर रहे हैं ये लोग हमारे हमारा बच्चे के इलाज के लिए, ये नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं ये कहूंगा कि ओशन मॉल को जो करना कर ले, पर हम इस बच्चे के लिए, कराची के बच्चों के लिए बिल्कुल इंसाफ देंगे। ये अलादीन में बच्चों को खा गए, लोगों को क्या क्या नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने बिजनेस इनके इतने बड़े साइकोन समझते हैं, इतने मामला कर दिए उन्होंने, पर इस बार ये नहीं बच पाएंगे। आपने क्यों अभी तक इनके खिलाफ केस नहीं किया, जबकि केस तो आपका बनता था? पहले मुझे एमएलओ के लिए मना किया गया था कि इस बच्चे की एमएलओ नहीं होगी, क्योंकि इसकी सर्जरियां हो रही थी और डायरेक्ट एफआईआर होगी, तो फिर एफआईआर नहीं हुई। फिर आखिर में जब बड़ा स्टेप बिल, फिर इसको हम लेकर गए दूसरे हॉस्पिटल स्टेबल करने के लिए, तो फिर इन लोगों ने बोला कि भाई अब आप एमएलओ कराएं। मैंने कहा एमएलओ कैसे हो सकती है, इस बच्चे की इसके ऑपरेट अभी भी जारी है, चौथा या पांच बार उसका ऑपरेट हो रहा था, फिर इन्होंने बोला एमएलओ कराया। फिर हम जैसे जैसे करके बच्चे को लेकर गए, उसका एमएलओ कराया और अभी एमएलओ की रिजल्ट नहीं आया, और एमएलओ साहब से हमारी दरखास्त है कि वो जो है हक और सच पे जो रिपोर्ट बनती है वो बनाकर देंगे, किसी के बेकाबे में ना आए और बस हमारा साथ दें। और आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कराची के बहुत से नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं शुक्रगुजार दुनिया का जो अमान के लिए मेरे बेटे के लिए मदीना में पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही हैं, हर वक्त इतनी कुरान की तलावतें, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमें इतना इंकरेज कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं।